अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और खुश हूँ। तो हाँ जी, यहाँ पे मैं आई हूँ थोड़ा सा आप लोगों से अपना दुखड़ा बयान करने, मतलब यू नो दुख अपना शेयर करने के। यार यहाँ पे मेरे होम पे एक वीडियो आई, मैंने जब ऑन की तो वो डक्की भाई की जो है वाइफ की वीडियो थी, और उनका था एक दिन में उनके 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो गए। और हमारे यहाँ मंथ क्या महीनों गुजर जाते हैं हमारे, तब जाके मेरे हुए 7K। और जब तक कि मैं वीडियो पोस्ट करूंगी होप से 7K हो जाए, मतलब मैं कुछ गलत नहीं कह रही, सही है उनकी माशाल्लाह से बहुत फैन फॉलोइंग ने उन्हें सब्सक्राइब किया हो। हमारे 1 लाख ना सही 10K ही करा दे तो हो गया ना फैसला, भला इतना तो करा दे, बड़ी मेहनत करती हूँ मैं। बस ये कहना था, माशाल्लाह से मैंने उनकी वीडियो देखी, बहुत अच्छी थी। का नाम आई गेस अरूब जतोई है, वो भी बहुत प्यारी हैं। चले बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड। बाकी ये तक था मेरा दुखड़ा, बस मेरा दुखड़ा खत्म, अब जल्दी स्टार्ट करते हैं हमारा आज का व्लॉग। एंगल पे नहीं लेना, जस्ट ये मैं अपना दुखड़ा बयान कर रही थी कि मेरे भी थोड़े बहुत सब्सक्राइबर बढ़वा दें। एवरीवन गुड मॉर्निंग, तो चले जी शुरू करते हैं हमारी मॉर्निंग रूटीन, आई मीन मॉर्निंग से व्लॉग। तभी मैं बना रही हूँ चाय, बिकॉज जिस चाय बना रही हूँ मैं, अम्मी ने जो है करेले बनाए थे, इसीलिए करेले यार मेरे फेवरेट। तो दैट्स ऑल अबाउट माय नाश्ता, तो मैं नाश्ता करती हूँ और फिर स्टार्ट मॉर्निंग स्किन केयर। तो जो लोग मुझसे पूछते हैं आपकी स्किन इतनी क्लीन है, ये देखें जी, हमें भी पिंपल होते हैं भाई, हमें भी जो है स्किन की केयर करनी पड़ती है। अच्छे से आप स्किन की केयर करेंगे तो आपकी बहुत प्यारी स्किन और अच्छी मुस्कुराती क्लीन क्लीन लगेगी। अगर आप इसकी जो है केयर करना छोड़ देंगे तो मेरी तरह ये देखिए पिंपल शिम्पल हो जाएंगे। बीच में मैं इसका भी ख्याल नहीं रख रही, तो आज मैं इसे प्रॉपर जो है मैं अपनी स्किन केयर भी करूंगी। सो स्टेप तो सबसे पहले जो है मैं ये मिस्ट अप्लाई कर रही हूँ। मॉर्निंग में जो है मैं स्किन केयर जरूर करती हूँ, चाहे मेरे पास 2 मिनट हो, 5 मिनट हो, जो भी हो, पर जो है स्किन केयर मैं जरूर करती हूँ। उसके बाद में ये सीरम अप्लाई कर रही हूँ, ये भी राली ब्यूटी की है। हाँ, आपके लिए अब गुड न्यूज भी है, इनके पास जो है मेरा कोड भी है, अगर आप लोग मेरा कोड यूज करेंगे तो आप लोगों को जो है 10-15% डिस्काउंट भी मिलेगा। जो है स्टेप टू जो है मैंने अब यूज करना शुरू किया। हाँ जी, वीक हो गया ये, मैं विटामिन सी सीरम भी जो है वो यूज कर रही हूँ, सिर्फ बेसिक्स वालों की है और इनके पास मेरा कोड नहीं है, तो वो आपको इससे मिलेगी। एंड द बेसिक स्टेप इज आप कोई भी सीरम यूज करें, आई मीन विटामिन सी सीरम करें, उससे पहले से अच्छे से जरूर शेक करें। एंड अब जो है मैं यूज करूंगी कोई भी मॉइस्चराइजर आप यूज करें, मैंने आपको दिखाया था कि आजकल मैं क्या यूज कर रही हूँ, जो कोई भी मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं, ये जो है मैं आजकल नहीं यूज कर रही हूँ। और उसके बाद जो लास्ट में मैं लिप बाम यूज कर रही हूँ। अगर आप लोगों के लिप्स डार्क है तो उसके लिए मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको जो है DIY सिखाऊंगी रेमेडी, जिससे जो है आपके लिप्स जो है नेचुरल पिंक लगेंगे। और मैं स्किन केयर बस इतना ही मैं यूज़ करती हूँ आजकल, जो है मैं ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं कर रही। जैसे कि मैंने जो आपको बेसिक स्टेप्स बताए, ये जो है मेरे मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन के, आप लोग भी जो है अपना एक टाइम बना दें जिसपे आप जो है अपनी स्किन केयर रूटीन फॉलो किया करें, आप खुद को टाइम दें और फिर देखिए आपकी स्किन कितनी अच्छी और ग्लोइंग होती है। हमेशा कहती हूँ और आप लोग को आज भी मैं कहूँगी, मेक योर स्किन लुक गुड नॉट योर फाउंडेशन। जितनी अच्छी आपकी स्किन होगी उतना अच्छा फाउंडेशन लगेगा, वरना आप कितना भी एक्सपेंसिव फाउंडेशन ले वो आप जो है स्किन पे अच्छा नहीं लगेगा। जो लड़कियाँ मुझे अक्सर कहती हैं कि हमारी स्किन पे जो है फाउंडेशन सेट नहीं होता, ये उनके लिए था। चले जी, तो अब इंजॉय करती हूँ मैं अपनी चाय और फिर अपना रूम वूम क्लीन करती हूँ एंड फिर मिलती हूँ आपसे। हाँ जी, तो हो गया मेरा पूरा रूम क्लीन। ये देखिए जी, अब जाके करते हैं सबीना वालों की अफ्तार की तैयारी। और सबीना वालों का जो है आज रोज़ा है, फिर जी चलते हैं उनके लिए बनाते हैं सैंडविच और फिर देखते हैं आगे क्या करते हैं। तो अमना और सबीना का रोज़ा है और उनकी आज फरमाइश थी कि मैं उनके लिए अंडे वाला सैंडविच बनाऊं, उन्हें ये अंडे वाला सैंडविच कुछ ज़्यादा ही पसंद है, तो मैंने उनके लिए बना लिया। ये अमना के लिए ऑलरेडी बनाया है और वो सबीना के लिए। ये जो है मेरा एनर्जी ड्रिंक, तो यहाँ पे जो है सबीना वाले कर रहे हैं अफ्तार, तो उन्होंने कुछ खाया नहीं, बस उनका दिल कर रहा था थोड़ा हल्का फुल्का सा खा ले, तो यही बनाया। तो अब टाइम हो चुका है चाय का, तो मेरे भी सर में जो है थोड़ा सा दर्द था, तो मैंने सोचा क्यों ना अब जल्दी से जाके चाय बना ली जाए। आज रीमा खुद चाय निकाल रही है। हाँ, तो इसलिए क्या हो गया? वरना मैं निकालती हूँ। आज मैंने खुद हिम्मत की है। कर जाओ सबीना, ये हम दोनों की चाय। और ये सबीना हमेशा की तरह आ गई अपना परफेक्ट स्नैप लेते हुए। यार ये क्या है तुम लोगों का, इनके चक्कर में हमारी चाय ठंडी हो जाती है। मिनी व्लॉग बना रही हूं अपना, तो उसमें मुझे चाय चाहिए। हाँ, और आप सब लोग जाके सबीना को फॉलो करें इंस्टाग्राम पे और इसके मिनी व्लॉग देखें और वहाँ पे कॉमेंट करें बोरिंग। अब आए ना लाइन पे, कितनी बदतमीज हो तुम। मेरे दोस्त है ये सारे, हमारे भी, हमारी पूरी फैमिली के है। नहीं, मेरे दोस्त है सिर्फ, जो मैं बोलूंगी वही करेंगे।
ओके दोस्तों, चले मैं आपको दिखाती हूँ आपके लोगों की आमना दोस्तों। यहाँ मुंह करें आमना, ये हम कर रहे हैं सेटिंग। ये मेरे फाउंडेशन की ये जो है दो मेरे पास एक्स्ट्रा थे, ये वाले शेड जो मेरे शेड नहीं है फॉर सेल, ये मैं सेल कर रही हूँ। और बाकी ये वाला मेरा शेड है। अब हम ये शेड चेक कर रहे हैं कि आमना का शेड है कि नहीं, बिकॉज आमना का शेड मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये ट्राई कर रही है जब तक मैं जो है अपनी सेटिंग कर लूँ। अब ये सेटिंग करते हैं। आमना ने अपना जो है शेड चुन लिया। बाकी दो बच्चे मेरे पास, अभी मैं रख लूँ, सेटिंग कर लूँ, डन और बस सेट। सो आएगा दिस पी आर पैकेज, दिस इज अ फूड पी आर पैकेज। चले जी खाते हैं, टेस्ट करते हैं एंड देन सबको टेस्ट कराते हैं और रेट करते हैं। जो मैं रेड क्रशर की तरफ से ही थोड़ा उल्टा दिख रहा होगा आपको, वेल बाद में जो है मैं सही से आपको दिखा दूंगी। तो चलें जी पहले जो है इसे मैं सर्व करती हूँ, प्लेट्स में रखती हूँ और बाद में आप लोग को दिखाती हूँ। इनके रेट्स वगैरह जो है मैं लिंक नीचे डाल दूंगी, आप इनसे पूछ लीजिएगा कि इनकी प्राइस कितनी है। बाकी अगर आप लोग हैदराबाद बेस्ड हैं, आप लोग इनसे ऑर्डर कर सकते हैं, खा सकते हैं। बाद में पहले हम टेस्ट करते हैं, फिर मैं आप लोग को बताती हूँ। ना मुँह में अभी से पानी आ रहा है कि मैं अभी खा लूँ, रुके सबर करें, अभी सेट करती हूँ फिर दिखाती हूँ आप लोग को। बड़ी साइज का भी मुझे लग रहा है, संभालू ना। सभी ना मैं तो YouTube पे रखूंगी, आप कहाँ रखोगी? इसका मुखड़ा दिखाओ, ये कितनी मेहनत कर रही है। Instagram पे रखेगी। हाँ, इसको जो है हम यहीं पे रहने देंगे क्योंकि ये अच्छा लग रहा है बहुत। और बाकी इनको जो है मैंने प्लेट में सजा दिया है। अब सारा कचरा भी जो है मैंने सजा दिया है, छुपा दिया है। चलें अब सब टेस्ट करके फिर बताते हैं, प्राइस टेस्ट करते हैं, फिर मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ। नो, नॉट नाउ। अब अम्मी टेस्ट करेंगे फिर अम्मी हमें बताएंगे, ठीक है? जब तक मैं अपना अम्मी के रिव्यू बाद में लेंगे। हाँ, बिस्मिल्लाह, यम। बर्गर भी बहुत यम्मी है, बहुत टेस्टी है। बस इसका बन जो है वो थोड़ा सा मुझे मतलब फ्रेश नहीं लग रहा, बाकी खाने में बर्गर बहुत टेस्टी है। टेस्ट जो है प्रोबेबली सेम है, बाकी दोनों बहुत यमी है। अगर आप हैदराबाद से तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। रिश्ना खा रही है, रिश्ना आप बताओ आपको कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और कौन सा वाला बर्गर आपको ज्यादा अच्छा लगा? डबल पेटी वाला। ओके, और आप कितना रेट करेंगी आउट ऑफ 10? 9। चलें जी, ये मुझे दोनों बहुत टेस्टी लगे, ये भी और रिश्ना। ये हो गई मेरे चैनल की ट्रीट, मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ है ना, उसकी ट्रीट। अब बाकी पैसे मिलेंगे, कमाऊंगी, पैसा ही पैसा होगा तो ट्रीट बाकी। ओके, पैसा ही पैसा होगा। तो अभी मेरा वॉक टाइम है और मैं जो है घर में ही वॉक कर रही हूँ, बिकॉज कोई मेरे साथ चल नहीं रहा था बाहर, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं घर में ही वॉक कर लूँ 10 से 15। अब जब मेरे पास टाइम है तो मैं सोच रही हूँ अपने क्यों ना ज्वेलरी बॉक्सेस जो है वो थोड़ा ऑर्गेनाइज कर लूँ। ये देखें सारे बिखरे हुए हैं, और ये जो है इसमें ज्वेलरी है जो मेरी कजन वगैरह लेकर गई थी और उन्होंने मुझे रिटर्न की है। तो अब जो है मैं अपनी सेटिंग करके रखूँ, और इसको भी देखें, ये भी सारा फैला हुआ है। तो सारी जो है सेटिंग करती हूँ, सारी ज्वेलरी जो है ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ, बिकॉज ये तो मेरे बहुत काम आती है। जो है ये सेट है, ये सारे जो इसमें हैं मतलब टिक्का और जो एयरिंग्स वगैरह होते हैं वो मैं सारे इसमें रखती हूँ। इसमें नॉर्मल एयरिंग्स रखती हूँ, मतलब ऐसे जो नॉर्मली पहनते हैं। इसमें जो है छोटे छोटे टॉप्स भी रखती हूँ मैं सारे, और ये मुझे आज ही रिसीव हुए थे तो मैंने इसी में रख दिए। और जो नेकलेसेस हैं सारे इसमें नेकलेसेस रखती हूँ। चलें जी, अब ये सेट करके रखती हूँ मैं। बट ये देखें, दिस इज़ रियली प्रिटी। ये देखिए ये कितना प्यारा है। और इसके एयरिंग्स हम चाहें तो नॉर्मली भी ऐसे भी पहन सकते हैं, और नेकलेस के साथ भी टिक्का है। बाकी ये जो है ये मैं इसी में रख रही हूँ। हाँ जी, तो ये मैंने पैक कर लिया। और ज्वेलरी जो है हमेशा आप पैक ही रखा करें, शॉपर्स वगैरह में इससे क्या होता है कि आपकी ज्वेलरी जो है काली नहीं होती। और ये गोल्डन वाली है तो ये मैं सेपरेट इसी में रखूँगी, क्योंकि ये जो है मुझे इसी के साथ ही मिली थी। ये इस तरह से बंद हो जाता है और बिल्कुल एकदम फुल हो चुका है। चलिए रखते हैं, जो जो सेटिंग हो गई ये भी सेट, अब रखते हैं।
चलिए जी, तो ये व्लॉग करती मैं यहीं पे एंड, फिर मिलती हूँ इंशाल्लाह आपसे न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। एंड हाँ, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड मेरे चैनल को जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ जी, मेरा चैनल आप शेयर भी किया करें ताकि मेरे जो है सब्सक्राइबर भी थोड़े से बढ़े। मुझे लगता है दूसरों के देख के ना, यू नो, मुझे हो रहा है कि मेरे भी अब ज़्यादा ज़्यादा हो, तो बस थोड़े से ज़्यादा मेरे भी करवा लें। और उसके अलावा अगर ये वीडियो अच्छी ना भी लगी तो भी लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह न्यू व्लॉग के साथ।